अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक स्पेनिश डिश चिकन पुपूसा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन पुपूसा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले मासिका, कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा, इस तरह के बैग में मिलता है, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं, वाइट कलर में, येलो कलर में, जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा चिकन चाहिए, कैबेज, बीन्स, चीज़ और बहुत से दूसरे मसाले चाहिए जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले जो इस डिश के साथ साइड्स वगैरह सर्व होती हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले इसके लिए सैलेड तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप जो है वो बारीक कटी हुई बंद गोभी कैबेज ली है, कैरेट्स, गाजरें ली हैं मैंने 1/2 कप, इनको भी मैंने इस तरीके से लंबाई के रूप काट लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, टोमेटो इनको भी काट लिए है, और 1 ऑनियन, प्याज लिए है और थोड़े से मैंने मिंट लीव लिए हैं। इन सबको मिक्स कर लेना है। इसमें आप डाल दीजिए 1 टीस्पून जो है सॉल्ट, नमक, 1.5 कप मैंने इसमें लिया है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, और 1.5 जो है मैंने पानी लिया है, 1.5 कप वार्म वाटर है, ये आप इसको डाल के मिक्स करके और कवर करके आप रख दीजिए जब तक आप दूसरी चीज़ें बनाते हैं। इसको कवर करके आप साइड पर रख दीजिए। इसके बाद एक साल्सा है वो आप बना लीजिए इसके लिए। ये सिलांट्रो है थोड़ा सा, 1-2 टेबलस्पून होंगे, ग्रीन चिलीज हैं 1 मैंने ली है, 3 इसमें मैंने टोमेटो लिए हैं दरमियाने साइज के थे, और 1 ऑनियन लिए है, 4-5 क्लॉव मैंने गार्लिक के लिए लहसुन के, और ये लेके आपने इसको पीस लेना है, और सॉल्ट लिया मैंने 1/2 टीस्पून। जब ये सालसा हो जाए तो आप इसको किसी बाउल में निकाल लीजिए। साथ ही ये किडनी बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स, सुर्ख लोबिया, ये मैंने 1/2 कप लिया था, कैन वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मैंने 1/2 से कम मैंने ऑनियन डाल दिया था, और 1 क्लोव गार्लिक का, और नमक और सुर्ख मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, और इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें डालना है सिर्फ 1/2 टीस्पून तक। तो इसको इस तरीके से आपने पीस लेना है, ये भी आप साइड पर रख दें। चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 पाउंड चिकन लिया है, इसके मैंने इस तरह के स्मॉल पीस ले लिए, मैं चिकन थाई यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन गरम कर लीजिए जिसमें आपने ये चिकन बनाना है, उसमें 1 टीस्पून के करीब आपने जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देना है। और साथ ही इसमें चिकन डाल दीजिए, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से आपने 10-15 मिनट तक पकाना है, और साथ ही आप इसमें ये गार्लिक क्लोव मैंने 2 लिए हैं, और साथ ड्राई चिलीज लिए 3, ये भी डाल दें साथ। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, इस तरीके से ब्राउन सा इसका कलर होना शुरू हो, तो आपने इसको उतार लेना है और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है आपने। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी भी चॉपर में, ग्राइंडर में, जिसमें आपने पीसना है उसमें डाल दीजिए। साथ ही ये 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये भी डाल देना है।
हरा धनिया लेस देन हैफ बन चाहिए। एक टोमेटो मैंने लिए और हैफ ऑनियन लिया है प्याज और एक हरी मिर्च हैलापेनो पेपर। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसको किसी भी बॉल में निकाल लीजिए। जब ये पीस जाए तो इसमें आपने ये जो चीज थी, 2 कप मैंने चीज ली है, मोज़रेला चीज है, ये आप इसमें मिक्स कर लीजिए। अब इसको हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद मैं आपको बताते हैं कि इसके लिए आटा कैसे तैयार करना है। 3 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, मकई का आटा, इसमें 1 टीस्पून आप सॉल्ट डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लेना है। मैं वाइट वाला यूज़ कर रही हूँ, आप जो येलो वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपने वार्म वाटर यूज़ करना है, ठंडा नहीं करना, अंदाजे से ही इसमें जाएगा। पहले मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ। अपने अच्छे तरीके से ये इस तरीके से जो है आप इसको गूंद लीजिए। इसमें 3 कप में तकरीबन मेरे 2 कप पानी के पड़े हैं। तो इस तरह से जब हो जाए, ये आटा जो है बहुत पतला नहीं होता, आम आटे की तरह सख्त ही रखा जाता है। इस तरह से आप पेड़ा सा बना लें। ये 1 टीस्पून तकरीबन, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये कर लीजिए और इसको बंद करना शुरू कर दें। रोटियां बना बना के रखते जाएं। एक पैन भी मैंने चढ़ा दिया है इनको पकाने के लिए, गर्म होने के लिए रखा है। और इसके अलावा भी आप जो है इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप ब्रेड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बीन्स लगाएं और ऊपर जो सैलेड बताया है वो आप लगाएं और ये मेज़ा डाल के आप बहुत अच्छे तरीके से इसका एक सैंडविच भी बना सकते हैं। ये तवा एक मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है जिसमें ये रोटियाँ बनानी है। आप इसमें कुकिंग ऑयल या बटर जो भी आपको पसंद है वो लगा लीजिए। आंच जो है ये आपने दरमियानी कर देनी है और इसमें ये जो रोटियां बनाई हैं।
पुपूसा हमारा रेडी हो गया है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये सर्व किया जाता है सालसा के साथ और इस तरह के सैलेड के साथ। आप इसको और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, तो ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।